साल भर में ये बच्चे हैं जो यहाँ पे हैं। जी जी, इनमें से भी कुछ जा चुके हैं, दिखा बता पर। एक मिनट, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए। क्या नाम सर आपका? सुनो भैया एक मिनट, क्या हो गया भैया? सुनो, जब आप ऐसे बंद कर दीजिए तो वाइड भी कर, बंद कर दीजिए। अब हाथ मत छेड़, हाथ मत, हाथ 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 मत छेड़, बेस्ट बंद कर दो। सर मैं नीट की कोचिंग कर रहा था, नीट प्लस बोर्ड। सर मेरे, सर एक हफ्ते के बाद सर मेरे एग्जाम्स हैं स्कूल में, और सर मेरा कुछ प्रिपरेशन हुई नहीं है। सर मैंने महीने भर से क्लास भी नहीं लगाई। सर डेली कहते थे कि हम आपकी क्लास कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, टोटली इन्होंने सर डिले कराया। अच्छा, तो अभी क्या बोल रहे हैं? आपने कितनी फीस यहाँ डिपॉजिट की है? 20,000। अच्छा, तो अब इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है आपसे? इंस्टीट्यूट कह रहा है कि जितना आपने पढ़ लिया हम उतना कट करके आपको 3,000 या 4,000 रुपये आपको वापस कर देंगे। तो क्यों वापस कर रहे हैं वो? वापस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लॉस आ रहा है। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? इनका लॉजिक ये है कि हमें यहाँ से लॉस आ रहा है 2.5 लाख पर मंथ से, तो हम ये वाली अकेडमी यहाँ की बंद कर रहे हैं। तो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिस आप लोगों को दिया? यहाँ की फैकल्टी थी 80-90,000 वाली, उन्होंने चेंज करके 18,000-20,000 वाली फैकल्टी में लगा दी क्योंकि इनको लॉस हो रहा है। नहीं तो अभी इन्होंने यहाँ पे जो आप लोगों को फैसिलिटी दी या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कुछ इस तरीके का, ये बंद कर देंगे? कुछ भी नहीं। तो चोरी छुपे जाने की कोशिश कर? वो तो सर कुछ से टीचर थे, जिन टीचरों को उन्होंने सर 80 और 90,000 वाले टीचर थे उनको जो निकाला था, उन्होंने सर ये न्यूज़ लीक कर दी थी एक दिन पहले। उससे हमें बस पता लगा, उसी सर हम बचे नहीं अभी तक, वरना हम तो सर टोटल लॉस में थे सर। हेलो सर, मेरा नाम फेब है, मैं यहाँ पर केविन अकेडमी में नीट की तैयारी के लिए आया था। यहाँ पर केविन वालों ने ना तो हमें कोई सुविधा दी, और केविन भी हापुड़ की ब्रांच बंद करने वाले। हमने बोला था इन्होंने कि हमें मोदी नगर जाना है, इन्होंने बोले कैब करके देंगे हम, उसके लिए भी इन्होंने मना कर दिया इस टाइम पर। कितने टाइम से कोचिंग कर रहे हो आप यहाँ? हम जो थे फरवरी से कर रहे हैं कोचिंग, मई तक का हमारा कोर्स था यहाँ पे कंप्लीट, हमारा कोर्स भी पूर्ण है। यहाँ पे मॉड्यूल नहीं मिले, रेगुलर कोर्स कर रहे थे हम यहाँ पे नीट के। हमारा पूरा फ्यूचर खराब हो गया, हम 15-20 बच्चे हैं यहाँ पर। कितनी फीस आपने डिपॉजिट की? मैंने 15,500 रुपये ने डिपॉजिट कर दिया, जब दे दिए फीस मैंने अपनी जमा। टोटल फीस कितनी थी? टोटल फीस मेरी 42,000 थी यहाँ पर। अच्छा, तो अभी क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? हमने कैब के लिए बोला था कि मोदी नगर पहुंच जाएंगे, लेकिन मोदी नगर भी उन्होंने मना कर दिया, कैब भी नहीं अफोर्ड कर सकते ये। नहीं तो इंस्टीट्यूट क्यों बंद हो रहा है? ये लॉस में जा रहे हैं, इन्होंने इस वजह से करा है। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी इस चीज़ की? इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दी। सैटरडे में हमें पता लगा केविन बंद हो रहा है, फिर ये मंडे में आए थे कल, तो इन्होंने बस ये था कुछ बच्चों की फीस रिफंड कर रहे हैं, और हमारी क्लास के लिए हमें से प्रॉमिस कर रहा था कि यहाँ पर आ करेंगे, अब नहीं कर रहे। मेरा बेटा भी यहाँ नीट की तैयारी कर रहा था, शुरू में इन्होंने हमें इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा बताया कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और सभी सुविधाएं मिलेंगी। उसके बाद इन्होंने हमें कोई सुविधा नहीं दी कुछ भी। कितनी फीस यहाँ पर बताई थी इन्होंने? यहाँ की फीस हमें इन्होंने 50,000 रुपये है हमारी। अच्छा, 20,000 रुपये हम यहाँ दे चुके हैं। उसके बाद बच्चे ने कई बार कंप्लेंट भी की कि कोई टीचर 4 दिन में चला जाता है फिर नया आ जाता है। इन लोगों ने कहा कि टीचर के यहाँ सैलरी आ जाते हैं, पहले इन्होंने टीचरों को रख रहे अच्छे अच्छे, उसके बाद जब बच्चों के एडमिशन हो गए तब इन्होंने उन टीचरों को हटाने के बाद डाउन पेमेंट वाले टीचर लाए यहाँ, उनसे बच्चों को नहीं पढ़ा पाए और बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल इन्होंने ख़राब कर दिया है। तो आपका जो बच्चा है वो कितने टाइम से यहाँ कोचिंग कर रहा है? मेरा बच्चा यहाँ लगभग 2-2.5 महीने हुआ है। अच्छा, अब मेरा बच्चा ना ही स्कूल कर रहा है, DM में ये पढ़ता था दीवान में, ना वहाँ का रहा है ना यहाँ का रहा है। इन्होंने बिना कोई इन्फॉर्मेशन के इसको ये बंद करना, बोले हम इसको बंद कर रहे हैं, हमें ये लॉस में जा रहा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं इनके साथ, क्या होना चाहिए आप? इनके साथ कुछ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ये चीट करते हैं बच्चों के भविष्य के साथ। नहीं, केल्विन की जानकारी हमारे पास नहीं है कि इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूट हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। हमारी हमने अपनी लिस्ट देख ली है, उसमें इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है। हम और जानकारी करा लेंगे और जाँच भी करा लेंगे, अगर मान लिया इस नाम के उससे अधिक अनधिकृत तरीके से कोई कोचिंग चल रहा है उस पर सख्त कार्रवाई करें।